जैन दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे को चले गए। फिर से स्वागत होने चाहिए संजय मातो ऑफिशियल में। तो फिर आज का टॉपिक बहुत ही मुरला आप सब लोग, क्योंकि मैं आज आप सबको भी डिस्कस करने जा रहा हूँ झारखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई नई भर्ती को लेकर। तो फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ, पुलिस मुख्यालय की ओर से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो क्या अपडेट में बताया गया है, आखिर भर्ती कब तक आएगी, क्या प्रोसेस चल रहा है, आज के इस वीडियो में आप सबका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस तरह लेटेस्ट और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते, बगल बेल आइकन घंटी के निशान का उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इसके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से जो है पुलिस उप महानिरीक्षक कर्मी के द्वारा जितने भी जिला मुख्यालय हैं सभी के एसएसपी यानी वरीय पुलिस अधीक्षक, एसपी यानी पुलिस अधीक्षक, और जो है वाहिनी मुख्यालय, जैसा कि हम लोग जानते हैं जैप का आईआरबी का जो वाहिनी मुख्यालय होता है उसके जो है कमांडेंट ही, उसके समादेष्टा ही जो है उसके मुख्य होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी को जो है सूचना दिया गया है कि दो दिन के अंदर जो है जितने भी रिक्त पद खाली पड़े हैं उसकी विवरणी जो है पुलिस मुख्यालय को दे। तो लीजिए, अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो या फिर आईआरबी हो, जितने सारे जो हैं पद खाली पड़े हैं बहुत जल्द जो है भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप लोग जो है तैयार रहे। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, पुलिस उप महानिरीक्षक कर्मी की ओर से एक लेटर आया है, तो जिसमें यह दर्शाया गया है, जो कॉलम बनाया गया है, सबसे पहले जो है क्रम संख्या दर्शाया गया है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हो। क्रम संख्या के बाद जो है आपका सेवा संवर्ग दर्शाया गया है, उसके बाद जो है पद का नाम दर्शाया गया है, उसके बाद जो है कुल स्वीकृत पदों की संख्या, तो स्वीकृत पद मतलब कितना जो है आपके जिला मुख्यालय में टोटल सीट है, उसके बाद जो है यहाँ पर कार्यरत पदों की संख्या, यानी अभी जो है आपके फिलहाल मुख्यालय में कितना जो है कार्यरत कर्मी है, उसके बाद जाते हैं रिक्त पदों की संख्या। तो रिक्त पदों की संख्या यानी जो है अभी कितना जो है सीट खाली पड़ा है। तो चलिए, इससे साफ हो जाता है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द जो है आएगी, आप लोग जो है तैयार रहे, चूंकि पुलिस मुख्यालय की ओर से यह जो है अधिसूचना जारी हुआ है। तो जैसा कि फ्रेंड मैं पहले से आप सभी को बता रहा हूँ या सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग रिटर्न एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करें, चूंकि यह पुलिस मुख्यालय की ओर से सूचना आई है, आदेश आया है कि जल्दी से जल्दी दो दिन के अंदर जितने भी जिला मुख्यालय है और वाहिनी मुख्यालय हैं सभी को स्पष्ट रूप से जितना रिक्त पद खाली पड़े हैं उसका विवरणी जो है जल्दी से जल्दी मुख्यालय को जो है देने का जो है आदेश दिया गया है। तो लीजिए, अब जो है बहुत जल्द झारखंड पुलिस की भर्ती आपको लगता है जनवरी यानी 2023 में जो प्रथम माह में ही जो है वैकेंसी का विज्ञापन आ जाएगा, तो आप लोग जो है तैयारी करें। तो मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका जो होगा वो फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर जो है आपका जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे जो हो, यानी आपका जो है सबसे पहले आप फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो है मेडिकल, फिर आपका जो है मेडिकल पास होगा, उसके बाद आप रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करोगे। तो झारखंड पुलिस सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसी अनुसार आधार पर जो है तैयारी करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है मिलेगा। मैंने बताया हुआ है आपको झारखंड पुलिस सिलेबस से रिलेटेड में वीडियो, मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप सबों ने नहीं देखा है तो जाके विजिट कीजिए मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, आप एक बार विजिट जरूर कीजिए और वीडियो को एक लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे, बगल में बेल आइकन घंटी का निशान होगा उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इस लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसी तरह का लेटेस्ट और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, ताकि और भी इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।